एक नया पैटर्न जो है ऑब्जर्व किया अभी कुछ दिन पहले। टॉपिक का जो नाम है, जो विषय है, वो है संसार का दोगलापन। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और ऑब्जर्व करिएगा मेरे साथ ही साथ। बड़ा ये रोचक है और अचंबा होगा आपको। आप कहोगे, यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कुछ दिवाली वाले दिन की बात है, मैं अपने चाचा के घर गया। और वहां पे उन्होंने मेरे को ये कहा कि बात होती रही और आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज ही इज 62 63 63, तो सठिया जाते हैं लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 61 62 63 64 तक लोग सठियाने लगते हैं। अजीबोगरीब बातें। तो आज उनका दिन सही नहीं था। इनका पैटर्न चलता है बुढ़ों का, अगर आप देखें ध्यान से, जो कुछ नहीं करता, जो ना एक्सरसाइज करता है ना वॉक करता है, सिर्फ खाना खाता है, काम करता है, उनको लगता है उन्होंने सब कर दिया है। उन्होंने सरकारी नौकरी थी उनकी, और अपना पेंशन खा रहे हैं, उनको लगता है अब उनका सब हो गया। जबकि रियल चैलेंज अब चालू होता है, क्योंकि अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अब आपको हेल्दी होना है। लेकिन अब आप घर में बैठे हुए हो, औरतें वैसे भी देर में मरती हैं, तो औरतों को इतनी जल्दी चीज़ें पकड़ती नहीं है, तो चाची का इतना प्रॉब्लम है नहीं, आर्थराइटिस वगैरह है बस। चाचा वही मसल स्टिफनेस, उसकी वजह से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन। तो वृद्ध जो होते हैं, जो अब वृद्ध का मतलब वैसे ग्रोथ होता है, लेकिन बुढ़ा बोलना ज़्यादा सही होगा यहाँ पे। जो बूढ़े लोग होते हैं, वो आप अगर ध्यान से उनको ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे मंडे को उनका मूड बड़ा अच्छा है, और ट्यूसडे को उनका मूड काफ़ी गुस्से में है, वेडनेसडे को गुस्से में, थर्सडे को गुस्से में, फ्राइडे को गुस्से में, सैटरडे को फिर थोड़ा अच्छा हो गया, और संडे को फिर से वापस गुस्से में। तो उनके दो ही मूड चलते हैं, एक है फ्रस्ट्रेटेड और एक है हैप्पी। हैप्पी वाले कम आते हैं, महीने में 2 3 4 बार आते हैं। फ्रस्ट्रेटेड में लेवल्स होते हैं कि आज बोलेंगे आज ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आज कम फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैं उस दिन गया जब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। अब उनका लड़का उनकी रोज़ मसाज करता है, तो मसाज करने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि मसाज आपको इतना रिलैक्स इसलिए नहीं करता क्योंकि मसाज में सेल्फ एक्टिविटी नहीं है, खुद की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इस वजह से जो मसाज है वो काम नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा होता है कि ये तो कुछ श्रम कर नहीं रहा, करवा रहा है। अब देखो, कोई भी मसाज के लिए कभी नहीं कहता कि मसाज करवाओ हेल्दी रहो, मसाज करवाओ हेल्दी रहो। आपने नहीं सुना होगा कभी मसाज करवाओ हेल्दी रहो। मसाज तब के लिए है जब आप बहुत सारा एक्टिविटी कर लो, एथलेटिक्स हैं, एथलीट्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, वो जाते हैं मसाज करवाने। वो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर जाते हैं, चलो ठीक है मसल टियर ऑफ हो गई या मसल स्पाजम हो गया या कुछ हो गया, तो मसाज जो थोड़ा हेल्प करता है। बट मसाज इतना हेल्प नहीं करता। वो मसाज एक पॉइंट के बाद जाके जहर बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक प्लेजर है, इंद्रिय तृप्ति है। तो उस दिन उनकी मसाज नहीं हुई, तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। अब उन्होंने मेरे से क्या कहा एकदम से, तो मेरी मम्मी को कुछ डायबिटीज के इश्यूज हैं, किडनीज के इश्यूज हो रहे हैं, तो मैंने उनको बताया, तो वो बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे, मैं बैठा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, मैं बैठा हुआ था, बोल रहे थे कि मम्मी को कुछ सलाह दे रहे थे कि पीछे दर्द हो रहा है तो पक्का किडनी का प्रॉब्लम ही है, और पक्का किडनी का प्रॉब्लम है, पक्का किडनी का प्रॉब्लम है। बाद में डॉक्टर से चेकअप करवाया, अगले दिन तो कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब वो बोल रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ बता रहे थे वो किडनी का प्रॉब्लम हो गया आपको। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा चेकअप करा लेते हैं फिर पता करते हैं। वैसे देखिए ऐसा किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता है, पीछे का अगर दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है किडनी का प्रॉब्लम है, मसल भी हो सकती है, मसल ट्विच हो जाती है। तो क्या कहते हैं, तुम हमको क्या बता रहे हो, तुम हमको क्या बता रहे हो यार,
तुम हमको क्या बता रहे हो? एक 63 साल के बुड्ढे से बहस करने का मतलब हो गया है कि आप जाके अपना सर कहीं नीचे भेड़ लो, ज्यादा सही है। एक कुत्ते से आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 63-64 साल के आदमी से बात करी, वो जो श्रम नहीं कर रहा, तो समझ लाओ आपने बेवकूफी कर दी। और वही मैंने करी, मैंने गलती से बोल दिया। और ऑल्दो ये पॉडकास्ट वहां से चालू नहीं हुआ, ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि आप सोच रहे हो मैं अपने चाचा की फ्रस्ट्रेशन यहां आके निकाल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपके भी चाचा चाची कुछ होंगे, ताऊ ताता जो भी है, वो भी ऐसे ही करते होंगे। तुम हमको क्या बता रहे हो, तुम हमको क्या बता रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा रहा। फिर जाते जाते मैं निकला तो कहते हैं कि ये सब गाना बजाना छोड़ो और कुछ ढंग का काम करो। और मैं इनको जानता नहीं हूं, मतलब मैं इनसे हार्डली जिंदगी में 3 या 4 बार मिला हूं, मैं इतना ज्यादा नहीं हूं। मतलब साल में 1 बार आपके घर कोई आ रहा है, आपने एकदम से न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वो भी मैं इसलिए चला गया क्योंकि मेरी मदर थी वहां पे, नहीं तो मैं जाता नहीं। आपने ऐसे बोल दिया, अब मेरा बाप बोले तो मैं समझूं कि भाई मेरा बाप बोल रहा है, वो तो बोलता रहता है। लेकिन इन्होंने बोल दिया, अब मेरा, मुझे बुरा लग गया तो मैं नीचे उतर गया, मैंने कुछ बोला नहीं। और जैसे मैंने बाइक स्टार्ट करी और मैं वहां से निकलने वाला था, थोड़ा सा एक्सीलरेटर लिया, पहली गियर लगाई और क्लच छोड़ा और आगे बढ़ा, और मेरे दिमाग में एक बड़ी तगड़ी चीज हिट करी, क्योंकि मैं हमेशा क्यों में जीता हूं, क्यों हो रहा है ऐसा। और वहीं से इस पॉडकास्ट की जो है वो निर्माण हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे पॉडकास्ट में मैं कुछ हमेशा नया करता रहता हूं। ऑल्दो ये गलत चीज है, आप लोगों के हिसाब से नहीं करना चाहिए, एक चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए क्योंकि आप और कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहां पे अभी सीखने का कुछ नहीं है, यहां पे संसार के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि आपके पास पैसे हो, कार हो, घड़ियां हो महंगी महंगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना दोस्तों, तो आपके माँ बाप आपको धिक्कार देंगे, आपके दोस्त आपको धिक्कारेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड तो 110% आपसे शादी नहीं करेगी। और अगर कहीं गलती शादी कर लिया तो उसका बाप आपसे पूछते ही क्या कर रहे हो बेटा, आपको निकाल देगा, शादी तो बिल्कुल नहीं कर, हो सकता है वो 6 महीने के लिए बंद कर दे अपनी लड़की को, लेकिन वो आपके हाथ में लड़की नहीं देगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो अगर आप इस संसार में, जब मैं पैदा हुआ और जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और जब मेरी तीसरी आंख खुली यानी ऑब्जर्वेशन की आंख, और मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया, तो मैंने एक चीज दोस्तों नोटिस करी जिसमें आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इस दुनिया में पैसे को इतना तवज्जो दिया जाता है, इतना तवज्जो दिया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है, सुबह से लेकर शाम तक पैसा, जितना पैसा हो उतना कम है। और ये संसार आप देखो, एक BMW वाला जो है उसका तोंद निकला हुआ है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, वो गंदी हरकतें करता है, लेकिन ये दुनिया उसको सलाम करती है क्योंकि उसके पास वो है जो दुनिया चाहती है। पर उसके पास वो नहीं है जो एक्चुअली उसके पास होना चाहिए, वो है सेहत। तो कभी एक जिम वाला जो है वो कभी उसको सलाम नहीं ठोकेगा। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो आपके पास है, जो इस संसार के पास दोस्तों होता है, उसको ये दुनिया तवज्जो देती है, इंपॉर्टेंस देती है, महत्व देती है। जो उसके, मतलब जो उनके पास नहीं होता है, मतलब सॉरी, जो दुनिया के पास नहीं होता है और जो उनको चाहिए, और अगर आपके पास है तो एक BMW वाला है, उसका पेट स्टेयरिंग तक लड़ रहा है और हर कोई उसको सलाम ठोक रहा है, हर कोई उससे शादी करने के लिए, उसको जवान जवान लड़कियां मिल जाती हैं, 20-20 साल की लड़कियां मिल जाती हैं जो उससे शादी करने के लिए रेडी हैं दोस्तों।
लेकिन हर कोई उसको सलाम, इसका सलाम ठोकने का मतलब ये, हर कोई उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, हर कोई उसकी एक तारीफ कर रहा है, उसको कुछ समझ रहा है, उसको एक आइडल समझ रहा है, जबकि वो आइडल नहीं है। वो सिर्फ पैसे कमाने में आइडल हो सकता है, लेकिन सेहत में आइडल नहीं है वो। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको जीवन जीने का तरीका, लोगों से कैसे ट्रीट करना है उसका तरीका नहीं है, उसको खाना पीना क्या खाना है वो नहीं पता, उसको अपने चरित्र पे कंट्रोल नहीं है, वो चरित्रहीन है, उसको घमंड है, वो दयावान नहीं है, वो लोगों के लिए रुकता नहीं है। कहीं बाहर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो स्प्लेंडर वाले रुक जाते हैं, लेकिन कार वाले मोस्टली नहीं रुकते। ये पांचों चीजें उसके अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज है तो ये दुनिया उसको पूछती है। तो यहां तक तो आपको सबको क्लियर होगा, ये मैं कई बार बात कर चुका हूं, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं एक नई ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि ये दुनिया जब पैदा होता है बच्चा तो उसको बोलती रहती है कि हम तुझको तब तक चूतिया करार कर देंगे, तब तक तुझको धिक्कारेंगे जब तक तेरे जेब में 20 लाख रुपए महीने नहीं होते, या 10 लाख, जो भी पैसा नहीं होता। और जब वो लड़का कुछ कर लेता है, अब देखना कितना बढ़िया पॉइंट है, देखना ये पॉइंट जब आया ना तो मैंने ब्रेक लगा दी अपनी बाइक में, मैंने ब्रेक लगा दी जब मेरे पॉइंट, जब वो लड़का कुछ कर लेता है और सामने एप्पल की वॉच पहन के खड़ा हो जाता है आपके घर के, और उसकी एप्पल की वॉच का जो मिरर है उसमें से सनशाइन निकल के आपके आंखों में चमकती है, और आपको ऐसा लगता है ये मुझे एप्पल की वॉच दिखा रहा है, तब आप पता है क्या कहते हो, देखो साला कितना फ्लेक्स कर रहा है, देखो कितना शो ऑफ कर रहा है, कितना घमंडी है। उसी गांव में आप कार लेके जाओगे रेंज रोवर, तो कहेंगे यहां पे कार क्यों ले आए यार, बाइक से आ जाते, ऑटो से आ जाते, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी, कितना घमंडी है साला ये, कितना घमंडी है। और वही लोग पूरी जिंदगी बच्चे को परेशान किए रहते हैं कि भैया पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, और जब वो पैसा कमा के खड़ा हो जाता है तो उसकी एप्पल की वॉच देखने में उनकी पिछवाड़े की वाट लग जाती है, और एप्पल की वॉच जो 80,000 की आती है उसी को देखने में, अगर मान लो 1.5-2 लाख की पहन के आया तब क्या होगा। तो पहली बार जिंदगी में मेरा दोस्त मेरे सामने आया, मैं अपने दोस्त के पास गया सीधा, बाइक में चला रहा था, चाचा के यहां से निकला और मैं अपने दोस्त के यहां गया। वो बहुत फ्लेक्स कर रहा है, करता है, फ्लेक्स करता है। पहली बार मैंने उसको गले लगा लिया जाके, कहता क्या हो गया भाई गले को। मैंने कहा भाई तेरे तूने एप्पल की आवाज अपने जॉब कर रहा है ना, तूने अपने पैसे खरीदी है, मुझे फक्र है तेरे पे। कह रहा भाई क्या हो गया, तो कभी नहीं बोला किसी ने, और वो बहुत बड़ा शो ऑफ है, एक नंबर का नौटंकी और शो ऑफ। आज के बाद जितने भी लोग, तुम सारे सब्सक्राइबर्स के सामने, तुम सारे पॉडकास्टर्स जो मेरे पॉडकास्ट को सुनते हो, जितने भी लोग खड़े होते हैं ना और अपनी कार का दिखावा कर रहे होते हैं, अपनी घड़ियों का दिखावा कर रहे होते हैं, अपने अपने मकान बंगले जायदाद का दिखा, उनको जाके उनसे चिढ़ना मत, उनको बस बोल देना वेल डन। क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों, तुम ही लोग चढ़ाते हो, तुम ही लोग डंडा किए रहते हो। और जब वो लड़का बच्चा पैसा कमा लेता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई गलत काम करके आया तो उसको प्रेस करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही काम किया उसने, चलो कोई एंटरप्रेन्योर बन गया और अब उसके पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही। शाहरुख खान की बात उठा लेते, शाहरुख खान बन गया, अब वो उसको सब घमंडी बोलते, घमंडी है साला घमंडी। अरे तो साले अगर वो गरीब होता तो आज तुम लोगों ने उसकी ले ली होती, अगर आज वो फेलियर होता तुम लोग उसको उसको उसका तुम लोग बलात्कार कर रहे हो, और बलात्कार हो रहा है, एक बच्चा पैदा होता है उसका बलात्कार किया जाता है, उसका बलात्कार होता है, यौन शोषण नहीं होता है, मानसिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। क्या शोषण होता है कि साले तेरे पास पैसा नहीं, तेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं मानेंगे तेरे को, हम नहीं मानेंगे। और जितने भी लड़के मेरे को सुन रहे हैं वो ये मत सोचा कि आपके साथ नहीं होगा, भैया अभी 25 साल क्रॉस करो फिर देखो क्या होता है, ये दुनिया हर तरफ से आपको आके बोलेगी। और अगर घर वाले इतने अच्छे हैं आपके नहीं बोल रहे हैं
तो हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड ही मिल जाए, कहेगी तुमसे शादी करूंगी, तुमसे शादी करूंगी मैं, ऐसे बोलेगी। तो शाहरुख खान को सब बोलते रहते घमंडी घमंडी घमंडी। मैं कहता हूं भाई, एक तरफ तुम बात करते हो कि भाई हमको तो अपने पिछवाड़े में आग लगा देनी, अपने बच्चों के पिछवाड़े में हम आग लगा देंगे। अरे भाई साहब ये, अरे साला नहीं किया, अरे साला क्या कर रहे हो तुम, ये कोई नौकरी है साला 50-60 हजार रुपए, ये क्या तरीका, देखो शर्मा जी के लड़के ने ये खरीद लिया, वो साला सरकारी नौकरी लग गया, वो साला वहां चला गया, तुम साले क्या कर रहे हो, धिक्कार है तुम पे, कौन सा लड़का पैदा कर दिया साला मैंने, ये वो दुनियादारी। और उसके बाद जब वो लड़का 25 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाता है और उन्हीं रिश्तेदारों के सामने आता है, तो रिश्तेदार पता है क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे साला घमंडी है, एक नंबर का फ्लेक्स कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, और या तो पता है क्या बोलेंगे कि साला जरूर गलत काम करता है। अब एक और इसका सुनो, ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये, सौरभ जोशी के व्लॉग्स अगर आप नहीं देखते हो तो आपने देखा होगा, वो सिंपलिसिटी दिखा दिखा के, यानी सिंपल व्लॉग्स यानी गरीबी दिखा दिखा के बड़ा हो गया और अब वो फ्लेक्स कर रहा है, अच्छे से फ्लेक्स करता है सौरभ जोशी, लंबोर्गनी खरीद लिया, खरीद लिया, वो खरीद लिया। आप बनना तो करोड़पति चाहते हो लेकिन रहना सिंपल आदमी के साथ चाहते हो, वो जो प्लेन टी शर्ट पहने, जो सोने की चेन ना पहने, एप्पल की घड़ी ना पहने, सोने की घड़ी ना पहने, आप कितने बड़े दोगले हो। देखो आप एक तरफ कहते हो आपके मां बाप आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं, और वही मां बाप जब कोई सिंपल साधु होता है या कोई सिंपल आदमी होता है जो फ्लेक्स नहीं कर रहा होता है उसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्यों? एक तरफ आपने सोसाइटी एक तरफ आपको चापड़ मार मार के, हंटर मार मार के पिछवाड़े पे करोड़पति बनाती है, और उसके बाद एक तरफ सोसाइटी उन करोड़पतियों के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक सिंपल आदमी के साथ रहना चाहती है। ये कितना बड़ा देगुलापन है। आप देखो, आप व्लॉग्स कैसे देखते हो, आपको वो आदमी पसंद है जो आपको गैजेट्स दिखाता है, जो आपको एप्पल की घड़ियां दिखाता है, एप्पल के लैपटॉप्स दिखाता है, प्रीमियम गुची के जूते पहनता है, या आपको वो आदमी पसंद है जो आपको कैनॉट प्लेस के जूते पहन खरीद के साथ बैठता है? बताइए, जो सीपी से जूते लेके आएगा 300-400 रुपए के, वो पहना वो आपको पसंद है लेकिन आप वो खुद नहीं पहनोगे। आप अपना दोगलापन देखो कितना खतरनाक है। ये संसार दोगला है, ये संसार मार डालता है लड़के लड़कियों को पैसा कमवाने में, और जब पैसा कमा लेते हैं और फाइनली आके उन पर दिखावा करते हैं, क्योंकि भाई आपने एक तरफ बता दिया कि भाई पैसा कमाओ पैसा कमाओ, हम राजा मानेंगे राजा मानेंगे, अब वो पैसा कमा लिया, अब आप उसको राजा भी नहीं मान रहे हो। भाई वो राजा मनवाना चाहता है आपको, भाई देखो हमने उखाड़ दिया, ये देखो मेरी लंबोर्गिनी। जैसे ही आपने ये किया, हर आदमी आपसे नफरत करने लगेगा। क्यों नफरत कर रहा भाई तू, क्यों नफरत कर रहा उससे? लंबोर्गिनी खरीद के लाया है तो क्यों नहीं प्रेस कर रहा भाई, नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे को नीचा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है नीचा दिखाया जा रहा है। तो किसने किया तेरे को लंबोर्गिनी का शो ऑफ दिखाया, तो तेरे को नीचा लग रहा है, तेरे को फ्लेक्स लग रहा है ना, तो ये तेरी गलती है भाई। तूने पूरी की पूरी सोसाइटी बनाई, पूरी की पूरी सोसाइटी में तुम खुद शामिल हो, तुम तवज्जो ही अपने आप ऐसे लोगों को देते, अपने घर में आसपास तुम उसकी इज्जत नहीं करते। जो आदमी फकीर है तो उसकी इज्जत करती हो, जो आदमी अमीर है, तो जब इस तरीके की इज्जत कर रहे हो और इस तरीके की दुनिया रिस्पॉन्ड करती है, तो तुमको फिर वो खराब लगता है, दिखावा लगता है, फ्लेक्स लगता है, घमंडी लगता है आदमी वहां पे, तो उसकी नेगेटिव बोल रहे। अब आदमी करे तो करे क्या, लंबोर्गिनी खरीद के ले आए तो हर आदमी घमंडी बोलने लगा, गुची के जूते पहन रहा हूं तो हर आदमी कहता है दिखावाबाजी करता है साला, पैसे खर्च करता है, जलनखोरी करता है। तो आदमी करे तो करे क्या भाई, क्या करे? इनफैक्ट
मैंने अपने अंदर ये खुद देखा कि मुझे भी ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद है जो सिंपल है। और फिर मैंने सबके अंदर देखा, ये सबको पसंद है कि सिंपल आदमी अट्रैक्ट करता है। लेकिन वही है, चाहते तुम कॉम्प्लेक्सिटी हो, चाहते तुम अमीरियत हो, तुम्हारी रहीसी बनना तुम रहीस चाहते हो, रेस्पेक्ट तुम रहीस की करते हो, डिजायर तुम्हारा रहीसियत है, लेकिन रहना तुम रहीस के साथ नहीं चाहते। तुम चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम खुद ही कंफ्यूज हो। एक बच्चा उसके गांठ उसके उसके पिछवाड़े में तुमने आग लगा दी। एक बच्चा पैदा होता है उसके पिछवाड़े में तुमने ऐसी की तैसी कर दी, और उसके बाद भाई तुम जब वो आ रहा है रेंज रोवर खरीद के, लैम्बोर्गिनी खरीद के, तो तुम कहते हो भैया ये तो दिखावा है, घमंडी। क्यों नहीं घमंड होगा उसको, जब तुमने शुरू से लेकर शाम तक यही दिया है तो उसको क्यों नहीं घमंड होगा। सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर जवानी तक तुमने उसको सिर्फ यही सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। और वो फाइनली पैसा लेके आया, अब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। है, मैं ये नहीं कहता हूं रिस्पेक्ट नहीं है, बट उसको लोग नेगेटिव इमेज में देखने लगते हैं। आप सोचो कितना भयंकर लूप है ये लूप है। स्नेक एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ये लूप है। एक सांप जो है, सर्प अपनी पूंछ को खा रहा है, ये एक लूप है और कुछ नहीं है। आप सोचो ना, हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे हैं जो आदमी अमीर है, जिसने कुछ कर लिया, उसके कोई चर्चे नहीं जिसके के, लेकिन आप देखो सोचो कितना खतरनाक है। आप खुद सिंपल इंसान के साथ रहना चाहते हो, सरल व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, लेकिन सरलता, उस सरल व्यक्ति को आप अपनी बेटी नहीं दोगे। अमीरियत और सरलता जो है वो साथ साथ कभी चलती नहीं दोस्तों। सरल का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं रेंज रोवर से नीचे उतरूंगा, लैम्बोर्गिनी से नीचे उतरूंगा, मैं सरल नहीं हूं। सरल का मतलब ये नहीं है कि मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूं, सरल का मतलब ये है कि मैं भैया पैदल चल के आ रहा हूं, साइकिल से चल के आ रहा हूं, तब आपको मजा आता है मेरे साथ रहने का, मेरे साथ जुड़ने का। मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो, मेरे को सब्सक्राइब करना चाहते हो, क्योंकि मैं साइकिल से चलता हूं, मैं बसों से व्लॉग बनाता हूं, मैं ट्रकों से व्लॉग बनाता हूं। एक टाइम था जब व्लॉग्स चलते थे अमीरियत वाले, लैम्बोर्गिनी फ्लेक्स दिखा के, अब तो वो व्लॉग नहीं चलते, अब ट्रक वाले आ गए व्लॉग करते हैं, उनके चलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि आप जुड़ना नहीं चाहते हो ऐसे लोगों के साथ। पर आप अपने घर में क्या कर रहे हो, अपने माँ भाई बहन अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, आप वो देखो ना। आप उनको बना तो वही रहे हो लैम्बोर्गिनी वाला, लेकिन रहना आप ट्रक वाले के साथ चाहते हो, सरल आदमी के साथ चाहते हो, जो आदमी गरीब हो या जो आदमी सरल हो, कुर्ते पैजामे में आए, ज्यादा चेन चपाटी ना लेके आए। सोने की चेन वाले आपके पास आ जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता, हमको दिखा रहा हमको नीचा दिखा रहा। अभी आपके घर में सोने की चेन पहने वाला कोई आ जाएगा, इतना पहन के आने की क्या जरूरत थी भाई, ये कोई तरीका होता कोई पहन के आ रहा है, ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं आ सकते थे क्या, वैसे नहीं आ सकते थे। अरे आंटी जी, अपने बेटे को तुम वही तो दिखाना चाहती हो, वही तो बनाना चाहती हो, सोने वाला, सोने के अशरवियों वाला लड़का, और क्या हो गया। अब वो आ गया बन के, फ्यूचर आ गया आपका, आपके बेटे का, मान लो एक आपका बेटा आया फ्यूचर से, यही तो बना रही हो आप। इस संसार को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये संसार एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस संसार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, ये संसार पागल हो चुका है। ये संसार जो है दोस्तों, इस संसार में और होगा क्या, आप मेरे जैसे लोगों को सुनोगे तो आपको एकदम से खुलता, अच्छा ऐसा भी ये कोई बात करने वाला, नहीं तो अगर मैं बात ना करूं ना, ये कोई और बात ना करे, तो आपको लगता यही सत्य है, ये सोने के अशरवियां, लैम्बोर्गिनी, रेंज रोवर्स, ये तुम्हारी गुची के जूते, यही सब सत्य है। बोल देंगे, मुंह खोलेंगे, बोल देंगे, अरे वो मगरमच्छ की खाल से बनता है गुची का जूता, और खरीदेंगे वही। अबे मगरमच्छ की खाल से बनता है तो भाई गाय की खाल से तुम्हारा
ये बन रहा है बेल्ट वगैरह, वो क्यों पहन रहे हो? नहीं, गाय को मार दो, वो कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं क्या है संसार का, मुझे समझ नहीं आता। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।